लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Hey baby, I'm on the way. Restaurant में directly मिले? Sanjana, I'm sorry, आज का dinner plan cancel करना पड़ेगा. वो एक client के साथ बहुत important meeting है. I can't miss it. Baby, it's my birthday. At least साथ में dinner तो कर सकते हैं ना? Sanjana, birthday तो हम कल भी मना सकते हैं ना? ये बहुत important meeting है. I really need to go. I'll see you at home. And yeah, happy birthday. Happy birthday to me.
थैंक यू सो मच अनु, इट्स सो स्वीट ऑफ यू। थैंक्स मुझे नहीं, अपने हस्बैंड को बोलो, ये सब उसी ने तो ऑर्गेनाइज किया है। कबीर, पर वो तो किसी क्लाइंट के उसे साथ, पता था कि वो लेट होने वाला था, इसीलिए तो उसने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है और हम सबको यहाँ बुलाया। चलो अब बर्थडे खत्म होने से पहले केक तो काट लो। कबीर के बगैर अपना बर्थडे केक काट लो? नेवर। ओहो संजना, तुम दोनों में से कौन किससे ज्यादा प्यार करता है कुछ समझ में नहीं आता। यू बोथ आर मैड, बिल्कुल पागल। सच्ची में बड़ी जलन होती है तुम दोनों को देखकर। बाय द वे संजू, मीट माय कजन चित्रा। हाय, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आई एम सॉरी, मैं यहाँ पर बिन बुलाई मेहमान हूँ तो आप। आर यू मैड? यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। संजू, ये एक एक्सपर्ट टैरो कार्ड रीडर है, अपने बारे में जो कुछ भी पूछना हो या जानना हो, here she is. ये सब कुछ जानती है। आई होप यू डोंट माइंड, मैं इन सब चीजों में नहीं मानती। खुद के ही बारे में किसी दूसरे से जानने की क्या जरूरत है? एंड आई हैव गॉट एवरीथिंग एंड आई एम डूइंग गुड। ऑफ कोर्स यू आर, पर क्या तुम ये नहीं जानना चाहती कि जो आज है वो हमेशा रहेगा या नहीं? तुम जिसे भी प्यार करती हो या जिसे अपने दिल के करीब रखती हो, वो हमेशा तुमसे दूर चला जाता है। इस बात का यकीन है तुम्हें? सही या गलत? कुछ सही कुछ गलत। क्या तुम्हारा कुछ गुम हुआ है? स्ट्रेंज, क्योंकि ये कार्ड कहता है कि तुम्हारा जो भी गुम हुआ है या खो गया है वो तुम्हें वापस मिलने वाला है। शायद कोई लौट के आने वाला है। किस्मत हूँ बाखुदा इस तरह हो जाए पूरी एक दुआ जिस तरह तेरे बिन मेरी जाना कभी एक पल भी गुजारा नहीं तेरी आरज़ू ने खुद से बेगाना कर दिया वक्त। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूं, I don't want nothing and no one between us. सिर्फ तुम और मैं। लेकिन तुम तो मेरे साथ रह ही नहीं सकते। हमेशा ये सरप्राइज, ये पार्टीज, ये लोग, और ऊपर से तुम्हारा करियर, तुम्हारी मीटिंग्स, तुम्हारे काम। संजना, तुम ही केरला से भागना चाहती थी, राइट? यहां आना चाहती थी एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए, एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छा लाइफस्टाइल। यही चाहिए था हमें खुश रहने के लिए, राइट? लेकिन इसके लिए संजना थोड़ा काम करना पड़ता है, दूर रहना पड़ता है। मैं दूर रहना नहीं चाहती। I don't want this. I just want you. तुम्हारा वक्त, तुम्हारा साथ, बहुत ज्यादा मांग रही हूं मैं। केरला से भागने का ये मतलब तो नहीं कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। तो मैं क्या करूं संजना? अपना काम छोड़ के घर पे बैठ जाऊं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कि कुछ बदला नहीं है, एवरीथिंग
Everything's still the same. Yeah, हम लोग केरला चलते हैं. Would you like that? No. इस पूरे फसाद की जड़ ये जगह है. Let's just go back. No. ना उस शहर में, ना उस घर में. अंजना की यादें भरी पड़ी है वहां. हर जगह, हर तरफ. मैं केरला वापस नहीं जाऊंगी. नहीं. हेलो. क्या हुआ? माँ हॉस्पिटल में है. हमें केरला जाना पड़ेगा. मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रही हूं. खुद कर सुना मैं कबीर. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. अगर मैं ऑपरेशन की जिद ना करती तो अंजना आज. संजना, it wasn't you, it was the operation. कोई इस तरह पैदा नहीं होना चाहता, कोई इस तरह जीना नहीं चाहता. वो एक एक्सीडेंट था, एक हादसा था. खुदगर्जी नहीं. देखिए, इनके सर में गहरी चोट आई है. शी इज पैरालाइज नेक डाउन. ना ये बोल सकती हैं, ना ये चल फिर सकती हैं. ऑल्सो देर इज अ ब्लड क्लॉट इन हर ब्रेन जो हमें MRI स्कैन में मिला है. वी मे नीड टू ऑपरेट हर. थैंक यू डॉक्टर. संजना,
संजना आप मंगला है? कैसा है? मैं ठीक हूँ, आप? हम ठीक है जी, चलता है थोड़ा नरम गरम। मीम साहब कैसा है? इलाज चल रहा है, सीरियस है। ये हमारा बहू है जया। नमस्ते। ये हमारा बेटे का बहुत बड़ा गलती है, अभी 3 महीना पहले शादी बनाया, इसलिए हम इसको यहाँ लेके आया हमारे साथ काम करने को। अच्छा अच्छा, आपको पता है उस दिन क्या हुआ था? वो एक्सीडेंट? ये तो कुछ मालूम नहीं है जी, पर बहुत बड़ा तूफान आया था वो रात को। इतना बड़ा तूफान आया, ऐसा हवा चला कि वो आउट हाउस का पूरा सीलिंग नीचे गिर गया। मैम साहब आउट हाउस का बाहर ऐसा बेहोश पड़ा था। आप लोग हमेशा से लॉक्ड क्यों रखते हैं? खोलते क्यों नहीं? कैसा खोलेगा साहब, ये 7 साल से बंद है, हम तो इधर सिर्फ 5 साल से है साहब। एक बार मेम साहब से पूछा तो वो बोला ये जगह संजना और अंजना का खेलने का कमरा था। अंजना का मरने के बाद संजना इसको लॉक किया। वो बोला ये जगह में अंजना का सब याद है, उसका खिलौना है और अंजना भी है। अम्मा व्हाट नॉनसेंस, अंजना भी है। अब प्लीज खोलिए सर। अब साहब वो चाबी लाइए प्लीज। थैंक यू। चलो
can't be. And you amaze me. तुम यहाँ रात को 2 बजे क्या कर रही हो? कबीर, मैंने कुछ आवाजें सुनी. कौन सी आवाजें? Are you crazy? कबीर, सच में कुछ आवाजें आ रही थी तो मैं देखने आई. संजना, अगर कोई आवाजें होती तो मुझे भी सुनाई देती, right? तुम्हें कुछ नहीं सुनाई दिया? नहीं. Come on. कबीर, trust me. मैंने कुछ आवाजें सुनी. तो किसी और के घर से आ रही होंगी. Come on, let's go back to sleep. Come on. Mr. Kabir. Yeah. There have been some complications. हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा. I think you should get here as quick as you can. What? हाँ मोहित, बोलो. What? नहीं मोहित, तुम ऑफिस से लीव नहीं ले सकते हो. कबीर, सॉरी यार, यार मोहित, एक तो आई एम नॉट इन द ऑफिस, तुम भी छोड़ के चले जाओगे. दोस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइंट, समबडी हैज टू बी देयर टू हैंडल देम. कौन करेगा? हाँ पता नहीं यार, एक तो आई एम स्टक इन दिस गॉडडैम प्लेस, और ये सब माओ को एक साथ बीमार क्यों होना था? जस्ट डोंट आंसर. I'll call you back. Sanjana, I'm sorry. Mera matlab wo nahi tha. Sanjana, I'm sorry. Wo actually kaam ki wajah se bahut. Just go, Kabir. Don't worry about me. मैं यहाँ सब अकेले हैंडल कर लूंगी. वैसे भी तुम यहाँ रह के क्या कर लोगे? जिसको मुझे तुम्हारा साथ चाहिए था, एहसान नहीं. कम ऑन संजना, यू आर मेकिंग अ बिग डील आउट ऑफ दिस. मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और कहीं जाने भी नहीं वाला हूँ जब तक मॉम ठीक नहीं हो जाती. पर मेरा ध्यान बटा रहेगा. आई कांट हेल्प दैट. जानती हूँ मैं, आदत डाल ली है मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को खुद झेलने की, दिल की बात दिल में रखने की. फॉर गॉड्स सेक संजना, मेरे मुंह से एक बात क्या निकली? तुम ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, पर अभी आप अपनी माँ से नहीं मिल सकते. इन द मीन टाइम आप हॉस्पिटल के कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए प्लीज. ओके, थैंक यू. थैंक यू. आई विल टेक केयर ऑफ इट. कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी. संजना, आई सेड आई विल टेक केयर ऑफ इट. कबीर. नमित सर, आप इस, आई कांट बिलीव इट. हाउ आर यू? गुड सर, गुड. लेकिन आप पहले ये बताइए, आप इतने सालों से गायब थे, बिल्कुल मिले नहीं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आई मीन व्हाट आर यू डूइंग हियर? अरे अरे अरे, सांस तो ले लो. नहीं बस सर, आपको देख के सांस वांस जान सब एवरीथिंग्स परफेक्ट. बिल्कुल नहीं बदले तुम, वैसे के वैसे ही हो, शक्ल से भी और अकल से भी. तुम यहाँ इतनी रात को इस हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? हाँ सर, वो एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ इस हॉस्पिटल में एडमिटेड है. वेल यू डोंट वरी, शी इज इन सेफ हैंड्स. ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और फिर मैं तो हूँ ही यहाँ पर. मेरे लायक कोई खिदमत हो तो मुझे बताना जरूर, आई विल डू इट. थैंक यू सो मच सर, आई नो. बट आप पहले ये बताइए, आप यहाँ क्या करें? मैं इस हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट हूँ और यहीं पास में कोट्टायम में मेरा एक हीलिंग इंस्टीट्यूट भी चलता है. हीलिंग इंस्टीट्यूट? या आजकल मैं ये सब करता हूँ, स्पिरिचुअल हीलिंग वगैरह वगैरह. मेरे स्टूडेंट्स हैं और मुझसे सीखते भी हैं. ये मेरा कार्ड रखो. थैंक यू सर. मैं, आई कॉल यू सर. श्योर, विल डेफिनेटली मीट. ओके, यू टेक केयर. ओके, इट वाज नाइस सीइंग यू सर. सेम हियर कबीर. Thank you.
किसे देखा? वो वहाँ है। कौन कौन है वहाँ पर? क्या बात है? वो है कबीर, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। किसे महसूस कर सकती हो? अंजना कबीर। संजना प्लीज, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिलों वाली बातें मत करो। कबीर, इसे ठीक करने में कितना वक्त लगेगा? मोनालू संपड़िकिम। एक्सक्यूज मी। ओह, मैक्सिमम 3-4 डेज। ओह, ओके। तो आप प्लीज काम शुरू कर दीजिए। हाँ, ठीक है। लियो, लियो। लियो, कहाँ चला गया? लियो, लियो, I'm sorry to say, but your wife has had a miscarriage. मैंने तुमसे कहा था, इस घर में वो है। कबीर, she is trying to harm me. कबीर, please believe me. I saw her last night. कबीर, कल रात को वो कोर्टयार्ड में नीचे। We've had a miscarriage. हमारा बच्चा खो दिया संजना। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? चाहती थी लेकिन डर रही थी।
नहीं चाहती थी कि मेरे कोख में भी कोई डीफॉर्म बच्चे पले, मेरे और अंजना जैसे। संजना बच्चे डीफॉर्म्ड होते, अबनॉर्मल होते, जैसे भी होते हमारे होते। तुमने इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया क्यों? तुम मुझसे दूर जा रहे थे, बच्चा हो जाता तो और दूर चले जाते। एक सच और भी है कबीर, कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, हम दोनों के बीच किसी और को नहीं आने दे सकती। दोनों के बीच, हम दोनों के बीच क्या पागलपन? और बच्चे दूरियां बढ़ाते नहीं, बीच की दूरियों को कम करते हैं। संजना तुम भी तो दूरियां कम कर सकते थे। यू ब्लडी लॉस्ट इट संजना, और जो कुछ भी है ना इस घर में नहीं तुम्हारे सर में, क्योंकि वो बिल्कुल खाली है। उसमें बुरे ख्याल, वहम और डर के सिवा कुछ नहीं है। दिस दिस नथिंग हियर कबीर। और उसका अंजाम देखो आज क्या हुआ। लॉस्ट अ बेबी कबीर। संजना बेटी, अमरा अम्मा हमको बोला था रात को सोने का टाइम तकिए का नीचे कत्ती रख, छुरी रखने से ये भूत प्रेत आत्मा कुछ भी चीज का सपना नहीं आता। तुम ट्राई करेगा? संजना देश नोवन हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तो संजना अपने बचपन के बारे में कुछ बताओ। क्या बताऊं, बचपन की इतनी यादें हैं, कई पन्ने हैं जिनमें बहुत कुछ लिखा है। बचपन में तुम सबसे ज्यादा किसके करीब थी, अपनी माँ के या पिता के? अपनी बहन अंजना के। हम कभी अलग नहीं होंगे, प्रॉमिस प्रॉमिस। तुम दोनों ने अलग होने का फैसला क्यों किया? वो
ओके 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 स्टॉप स्टॉप एनफ फॉर टुडे, बाकी बातें अगले सेशन में करेंगे. ओके नाउ रिलैक्स. कबीर, इट इज अ वेरी डेलिकेट केस, बहुत सेंसिटिवली हैंडल करना पड़ेगा. कितना कुछ हो गया उसके साथ, बहन की मौत, उसका मिसकैरेज, माँ का एक्सीडेंट. फॉर सम टाइम तुम उसकी बातों पे यकीन करो. लेकिन लिसन टू मी कबीर, वो जो भी सोचे जो भी कहे उसकी हाँ में हाँ मिलाओ, उससे लड़ो मत, इवन इफ यू डोंट बिलीव. समझे? जी. अनदर थिंग, आई थिंक शी नीड्स अ ब्रेक. उसे घर से बाहर ले जाओ खुली हवा में. इस घर से बाहर रहकर क्या फर्क पड़ता है देखते हैं. कहाँ लेके आए हो मुझे? रेडी? रेडी. कबीर, ये सब एक सपना है जिसमें तुम हो, मैं हूं और कोई नहीं. ये वो वक्त है जिसपे सिर्फ तुम्हारा हक है, मेरा भी नहीं. I'm really sorry संजना, मैंने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की और तुम्हें ऐसे अकेला छोड़ दिया. किस गलती मेरी भी थी, प्यार देना चाहती थी लेकिन बोझ बन गई. हमेशा सिर्फ खुद के बारे में सोचा. आई शुड से सॉरी. बस अब हो गया सॉरी वॉरी, अब प्लीज ये सब कुछ भूल जाओ. कबीर, माँ, अगर कोई इमरजेंसी होगी तो डॉक्टर्स फोन करेंगे. I've taken care of it. Trust me. और तुम जब मुंबई जाने वाले थे, इरादा बदल दिया? हाँ, बदल दिया इरादा, लेकिन वापस जाने का नहीं, तुम्हारे पास वापस लौट के आने का. एक दफा हम गुजर ले जरा, फासला या तेरे यूं सताया मुझे, फिर तेरे लिए मजबूर किया, मजबूर किया. कभी पहली बारिश में ख्वाहिशें जगाएं, कभी इसमें चल रही धड़कन को बढ़ाएं, फितरत से ये बेसबर बस तुझको बुलाए, दूरी का जो आलम हो तो खूब रुलाए, फिर कितनी भी कोशिश कर लूं दिल संभल न पाए. पास लाया तेरे यूं सताया मुझे, फिर तेरे लिए मजबूर किया, मजबूर किया.
चल फिर उन गलियों में कहीं हम खो जाएं, जहाँ चलती थी मोहब्बत की ताजा हवाएं, वहाँ फिर से अजनबी क्यों ना हो जाएं, फिर से एक दूजे को चल मिलवाए, तुझे मिलके आवारगी का मौसम फिर आए, पास लाया तेरे यूं सताया मुझे, फिर तेरे लिए मजबूर किया, मजबूर किया। फर्क ही नहीं पड़ा सर, उसे लगता है कि अंजना हर जगह उसका पीछा कर रही है। सर कहते हैं ना, जुड़े हुए बच्चों में से कोई एक मर जाए तो दूसरा भी बहुत टाइम तक जिंदा नहीं रह पाता। मैं जानता हूं ये सब एक वहम है। एक बात तुम्हें अच्छी तरह समझनी पड़ेगी कि अंजना और संजना सिर्फ जिस्म से ही नहीं, रूह से भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। देख नहीं रहे हो? डर ही सही, लेकिन आज भी दोनों साथ हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं। सर मैं मानता हूं जो आप कह रहे हो सही, लेकिन संजना की सारी प्रॉब्लम्स यहां केरला आने के बाद ही शुरू हुई। डू वन थिंग, तुम डॉक्टर से कंसल्ट करके देखो कि संजना की मां को मुंबई के किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं क्या। या आई कैन डू दैट। शर्ट ठीक कर दिया? हां, अच्छे से किया ना? हां चाची, எல்லாம் செய்துட்டند। मंगला, दरवाजे पे ताला लगाओ। सॉरी मेम साहब, भूल गया, ताला ताला लगा दिया, कैसे भूल गया। डॉक, आई जस्ट वांट टू नो, क्या मैंने मुंबई ले जा सकते हैं? मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है और इनका इलाज भी हो जाएगा। मेरे से कभी इलाज दूर की बात है, ये सफर करने के भी लायक नहीं है। सॉरी, आई कांट टेक दैट रिस्क। आई अंडरस्टैंड। Thank you.
तुम कबीर से पहली बार कब मिली? लंदन? पर ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अभी अचानक मॉम डैड के डिवोर्स के बाद डैड लंदन शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने ही मुझे लीड यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाया है, सो आई हैव टू गो। पर कितने दिनों के लिए? दिन नहीं, कई सालों के लिए। तुम एयरपोर्ट मुझे मिलने नहीं आओगी? ऑफ कोर्स आऊंगी। आई विल सी यू देयर। ओके, बाय। बाय। कबीर लंदन जा रहा है कई सालों के लिए। उसने मुझे एयरपोर्ट बुलाया है। मुझे कहीं नहीं जाना। अंजना प्लीज चलो ना। नहीं अंजना प्लीज। नहीं अंजना प्लीज चलो ना। उस दिन के बाद हम दोनों का कांटेक्ट में रहना बहुत मुश्किल हो गया। ना खत लिख सकी, ना मेल भेज सकी, ना कॉल कर सकी। अंजना, और शायद माँ भी नहीं चाहती थी कि हम दोनों साथ रहें, इसलिए उसके लिखे हुए खतों को छुपा देती होगी शायद। बस वक्त बीतता गया। कबीर को गए हुए 10 साल हो गए थे और एक दिन हेलो हाय कबीर तुम गेस व्हाट आई एम कमिंग बैक तुम्हारे पास। तुम वापस आ रहे हो? कब? I can't believe this. मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ संजना, और इस बार तुम्हें एयरपोर्ट आना पड़ेगा मुझे रिसीव करने के लिए। I don't know how, but तुम्हें आना पड़ेगा, okay? हाँ, मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता। Good. Okay, I have to go now. I'll see you soon. Okay. Bye. कबीर is coming back, और वो चाहता है कि हम उसे रिसीव करें। उससे मिले? तुम मिलोगी, मैं नहीं। अंजना प्लीज अपनी जिद छोड़ दो, अब हम बच्चे नहीं रहे। मुझे उससे मिलना है अंजना। He loves me and I love him so much. इस बार मैं उससे मिलूंगी अंजना, चाहे मुझे इसके लिए तुमसे अलग ही क्यों ना होना पड़े। और तब तुमने अंजना से अलग होने का डिसीजन लिया? हाँ, ये फैसला मेरा था और मैं अपने आप को उसकी मौत का जिम्मेदार मानती हूँ। Yes, I killed him. अगर ऐसा है तब भी इतना गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। अपने बारे में सोचना गुनाह नहीं है। कभी कभी तो खुदगर्ज होना भी गुनाह नहीं होता। इंसान हो, भगवान थोड़ी हो। भगवानी तो बन गई थी मैं, किसी और की जिंदगी का फैसला किया। जो जिंदगी जी सकती थी, रह सकती थी, उसकी जिंदगी छीन ली मैंने। लेकिन अब वो वापस आ गई है, मेरा पीछा कर रही है, मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। संजना, संजना, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये उसकी मौत है जिसका असर तुम अब भी लिए जा रही हो। तुम्हारा डर तुम्हारे दिल पर पड़े बोझ के अलावा और कुछ नहीं है। जिस दिन तुम अपने आप को दोषी मानना छोड़ दोगी,
उस दिन अंजना को भी नहीं देखोगी। संजना, 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 संजना संजना, 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 संजना उठो, उठो, संजना तुम यहाँ क्या कर रही हो? कबीर, why you here? मुझे नहीं पता कबीर, I don't know, I don't know.
मुझे डर लग रहा है कभी। बस बस संजना स्टॉप कर, बस बस काम डाउन काम डाउन, बस बस तुम्हारा दिमाग का टीवी में ओनली ऑरा चैनल चलता, इतना बोला भूत आत्मा नहीं, पर नहीं। वो मेम साहब अपना खुद का बच्चे के वास्ते बोला, उसका बहन अपना बहन के वास्ते बोला, तो तू क्यों नहीं मानेगी? अरे अम्मा, सब लोग का बॉडी में एक आत्मा, उनका बॉडी के अंदर, एक बार बॉडी गया तो आत्मा वापस राउंड मारने नहीं आएगा। अयो, तेरे साथ बात करके मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं बॉडी के अंदर हूँ या बॉडी के बाहर। अयो छोड़ छोड़, जा पहले नाश्ता बना के देख के आ, जा। अयो बाड़ी के अंदर की बाड़ी बाहर। यो ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें दिल कर रहा है, देख रही हूं। और क्या जी कर रहा है तुम्हारा? प्यार आ रहा है, दिल में कई सारी बातें हैं, दिल कर रहा है आज सब कुछ कह दूं। So then, what's stopping you? यूं ही हमेशा मेरे साथ रहो। Thank you.
क्या है? अम्मा, संजना मैडम को देखा, वो आउट हाउस में जमीन पे लेटा हुआ था, वो उसका बैंक का कपड़ा और खिलौने को जोर के पकड़ के, हम जब उसके पास में गया वो हमको ऐसा देखा जैसे उसमें कोई भूत है, आत्मा है। क्या आत्मा? आत्मा ये पकड़ चल। अम्मा 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 मेरी बात सुनो, मैं सच कह रही हूँ। अम्मा चुप करिए, ताली रख जा। अम्मा आप चल के देखो, आप मेरे साथ चल के। क्या रे, मैडम को देख के ताली गिरा दिया? तेरा दिमाग किधर है? सॉरी मैडम, वो कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। अगली बार घर के लोगों पे नहीं, घर के काम पे ध्यान देना। संजना, 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 मेरी तरह तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता, और ये बात मैं जितनी बार भी कहूं कम है। प्यार जितना भी जता लूं कम है। संजना, अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, सिर्फ तुम और मैं। क्या बात है संजना, कुछ बदल गया तुम में? क्या पता नहीं, कुछ तो अलग है, लेकिन जो कुछ भी है तुमसे दूर जाने को मन नहीं करता। मैं डॉक्टर से मिल के आता हूं। पता नहीं, मुझसे कुछ कहने वाली थी। I don't know what happened।
यस एवरीथिंग। आई मीन घबराने की कोई बात तो नहीं? नहीं घबराने की कोई बात नहीं है, शुक्र है हम वक्त पर पहुंच गए, वरना कुछ भी हो सकता था। तो संजना आप कैसी? शी इज मच बेटर नाउ सर। मतलब आई मीन अंजना का डर, वो डरावने सपने, वो डिप्रेशन, इट्स ऑल गॉन, सब गायब हो गए। एंड आई जस्ट वांट टू थैंक यू सर, आपकी वजह से मुझे मेरी पुरानी संजना वापस मिल गई। थैंक यू सो मच। कॉफी। हाय संजना। हाय। सॉरी एक्सक्यूज मी। हाँ मोहन टेल मी। दिव्या तुम्हें याद कर रही थी, कह रही थी कबीर और संजना को लंच पे बुला लेते हैं। वेल दैट्स नॉट माय ब्लडी प्रॉब्लम। मैंने कहा गुड आइडिया, आज ही प्लान कर लेते हैं। कुछ फिल्म का भी प्रोग्राम था उसका, लेकिन लेकिन और भी कोई रास्ता होगा? योर हस्बैंड इज अ बिजी मैन, अकेली रह जाती होगी तुम, है ना? सीरियसली मोहित, आई कांट हैंडल इट यार। हेलो, संजना, संजना, आई एम सॉरी, कॉफी मैं बना देता हूँ। नहीं नहीं, मैं बनाती हूँ। तुम ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सदियों बाद मुझे इतनी खुशी मिली है। थैंक यू। सॉरी सर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था, couldn't avoid it. Leo, shut up. Shut up. Shut up. पता नहीं लियो को क्या हो गया, बहुत वायलेंट हो गया अचानक, संजना को देख के भौंकने लगा। आई थिंक इसे भी काउंसलिंग की जरूरत है। कबीर, ये मजाक की बात नहीं है, जानवरों को वो नजर आ जाता है जो इंसान भी नहीं देख पाते, इसे एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कहते हैं। संजना को देखकर इसका इस तरह से वायलेंट हो जाना अजीब है, शायद ये भी वो बदलाव देख रहा हो जो तुमने देखा है। कुछ तो है जो ठीक नहीं है सर। इतनी जल्दी इतना बदलाव इज नॉट नॉर्मल। ऐसे लोग कुछ छुपा रहे होते हैं, उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें नॉर्मल समझें, जबकि वो नॉर्मल होते नहीं है। सर सर, आई डोंट अंडरस्टैंड। वॉचर, उस पे नजर रखो, और ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। सर, गर्मी के मौसम में ठंडी लगता है क्या?
मलेरिया हो गया? अम्मा, अम इस घर में काम नहीं करेगा। इस घर में काम नहीं करेगा? क्यों? अम्मा, आपको संजना मैडम से बहुत डर लगता है। संजना मैडम से डर लगता है? क्यों? अम्मा, हम जब अपना पर्स लेने गया तो खिड़की के बाहर देखा। पता नहीं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। I mean, इस घर में कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है। एक चीज खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। I just don't know what to do. साहब। हाँ मंगला बोलो। साहब, आपका विश्वास है कि नहीं तो मालूम नहीं, पर किसी का तो नजर लग गया है इस घर पर। आप परमिशन देगा तो मैं इस घर में पूजा करेगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा साहब। ठीक है। संजना
जैसे इंसानों में दो तरह के लोग होते हैं, वैसे आत्माओं में भी दो तरह की आत्माएं होती हैं, अच्छी और बुरी। अक्सर ये बुरी आत्मा कमजोर लोगों को अपने वश में करती है, उन्हें सताती है और बाद में उन्हें मार डालती है। जिस तरह से आपकी पत्नी का शरीर कमजोर होता जा रहा है, वो बीमार होते जा रही है, इससे सिद्ध होता है कि इनकी बहन की आत्मा इनके शरीर में प्रवेश कर चुकी है, किंतु वो इनके शरीर में ज्यादा दिनों तक रहेगी नहीं, जल्द ही इन्हें मार डालेगी। हमारे पास समय बहुत कम है। भूत पुराण वो पुस्तक है जिसे अघोरी साधुओं ने हजारों साल पहले लिखा था। इसमें लिखे मंत्रों के जाप से हम इस आत्मा को अपने वश में कर सकते हैं। इनके बहन की सारी चीजों को नष्ट कर दो, इस घर में कांच की हर चीज को ढक दो, आईना, तस्वीर, जो कुछ भी हो, क्योंकि जैसे ही हम मंत्रों का जाप शुरू करेंगे, ये आत्मा इनके शरीर से निकल के इन कांच के चीजों में छिपने की कोशिश करेगी, और ऐसा होना नहीं चाहिए। मैंने इस घर के चारों कोनों को बांध दिया है ताकि ये आत्मा यहां से बाहर ना निकल सके। इस आत्मा को यही नष्ट होना होगा। मंत्रों के जाप से आत्मा झूठ बोलेगी, हमें भटकाने की कोशिश करेगी, हमें डराने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें हिम्मत से काम लेना होगा। इनके चेहरे को ढक दो। जय श्री शनिदेव महाराजा। जय कृष्णा गौरी स्थिर ताजा रवि सूर्य छाया के नंदन महाबली तुम असुर निकंदन पिंगल मंद्र रौद शनि नामा करु भक्त के पूरण कामा श्याम वरण है अंग तुम्हारा वक्र दृष्टि तन क्रोध अपारा क्रीट मुकुट कुंडल छे बिछाजे गले मुक्तन की माल बिराजे कर कुठार दुष्टन कुमारा चक्र त्रिशूल चतुर्भुज धारा गिरी राय समतुल्य करो तुम तिन्ही के सिर छत्र धरो तुम जो जन तुम पे ध्यान लगावे मन बांछित फलातुर पावे जा पर कृपा आपकी होई जो फल चाहे मिलिए सोई जिस पर कोप कठिन तुम ताना उसका फिर नहीं लगा ठिकाना सांचे देव आपो स्वामी घटघट वासी अंतर्यामी दशरथ निप के ऊपर धाये श्री रुद्रनायक विपिन पठाए निश्चर हाथ सिया हरवाई लक्ष्मण के ऊपर शक्ति समाये इतना त्रास राम को तुमने सभी दिखाया विक्रम भोप चोर बनवाया उसने छोटा तुम्हें बताया राजपाट सब धूल मिलाया हाथ या कटाई पाट फिर सुमरन तुम ये पैर कर खुश कर दिया युगल ब्याल सगरे में छाए बता दो सुमरन दशा आपकी सब शुभ शुभ हाल दिखलावे तुम लोग सिर नावे ब्रह्मा विष्णु लीला अद्भुत नाथ तुम्हारे ज्ञान धरे नर नारी कहाँ तक तुम्हारी करूँ पढ़ाई दयालू होती करूँ दिखाला क्यों जय 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 देव जय।
आपकी हुए जो फल चाहे मन ये सोए जिस पर को कठिन तपताना उसका फिर नहीं लगा ठिकाना इतना त्रास राम मुझे कोई सवाल नहीं कर सकता छोड़ दे इसे ये तो इस दुनिया की नहीं है तू जहाँ से आई है वापस चली जा जहाँ से आई है जहाँ भेजा था इसने इसने मेरी जान ली है अब मैं इसकी जान लूंगी मार दूंगी इसे चुप कर चली जा यहाँ से वरना मैं तुम्हें जला के राख कर दूंगा जा शरीर से निकाल देगा घर से कैसे निकालेगा गेट में मार दे मुझे जान ले मेरी सच्चाई जानने का तो जाऊंगी सच्चाई जान जो जन तुम पे ध्यान लगावे मन बांचित पर लातुर पावे जा पर कृपा आपकी होई जो फल चाहे मिले सो जिस पर को कठिन तुम जाना उसका फिर नहीं लगती गाना साथ दे आत्मा इनका शरीर से तो निकल चुकी है परंतु मेरे वश में नहीं है वो अभी भी इसी घर में कहीं है यू ओके सर बहुत दुख रहा है जो तुम्हारे साथ हुआ उसका असर इतनी आसानी से नहीं जाएगा क्या हुआ मेरे साथ कबीर What happened? इतने दिनों बाद लौटी हूं मेरे पास पहले अपनी संजना को गले लगा लूं फिर बताता हूं अंजना ने हमारे साथ क्या किया अंजना का सच देखकर डर गई है संजना का झूठ देखकर What do you mean? ये सब क्या है झूठ का सिलसिला इस कदर चल रहा था कि मैंने सोचा सच जानने के लिए थोड़ा झूठ तो मुझे भी बोलना पड़ेगा पहेलियां मत पूछो जो कहना साफ साफ कहो पहेलियां सुलझाने की कोशिश तो मैं भी कर रहा हूं संजना बोलो संजना क्या किया तुमने किसकी जान ली और क्या है वो झूठ जो तुम मुझे बार बार बोलती रही बोलो संजना मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा झूठ नहीं कहा लेकिन सच छुपाया तो है अंजना की रूह अब भी इसी घर में और जब तक तुम सच नहीं कहोगी वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी संजना मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता और ना ही ऊंची आवाज में कोई दलील करना चाहता इस रिश्ते को बरकरार रखने की जरूरत सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी ना तो चॉइस योर्स शायद सच हमारे रिश्ते को जोड़ ना पाए लेकिन झूठ इसे जरूर तोड़ देगा ओके संजना तुम्हारी खामोशी ने मुझे तुम्हारा फैसला बता दिया संजना हर इंसान को अपने किए का बोझ उठाना पड़ता है तुम अपने झूठ का बोझ उठाओ और मैं तुमसे प्यार करने का कबीर रुक जाओ मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी प्लीज
डोंट लीव मी, आई लव यू वेरी मच, प्लीज डोंट गो, आई टेल यू एवरीथिंग, प्लीज डोंट लीव मी, प्लीज डोंट लीव मी, आई टेल यू एवरीथिंग, प्लीज. कबीर इज कमिंग बैक और वो चाहता है कि हम उसे रिसीव करें, उससे मिले. तुम मिलोगी, मैं नहीं. इस बार मैं उससे मिलूंगी अंजना, चाहे मुझे इसके लिए तुमसे अलग ही क्यों ना होना पड़े. कबीर तुमसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ हम दोनों को अलग करना चाहता है, इसलिए नाटक कर रहा है प्यार का तुमसे. वरना बताओ हम दोनों में फर्क क्या है जो वो मुझे छोड़ के तुमसे प्यार करेगा. क्या हो गया है तुम्हें अंजना, पागल हो गई हो? वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानता है. तुमने कबीर को मुझसे छीना है, हम दोनों के बीच में आई हो तुम. Because I know he loves me and I love him. ये सच नहीं है, कबीर सिर्फ मुझसे प्यार करता है, तुमसे नहीं. No, then I'll make sure that he only loves me. इसका मतलब अंजना की रूह बदला लेने आई है और वो बदला लिए बगैर जाएगी नहीं. कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जरूर रह गया है जिससे अंजना की रूह जुड़ी हुई है. इसके पहले कि वो संजना पर दोबारा हमला करे, तुम्हें उस चीज को ढूंढ कर जलाना होगा. क्या हुआ संजना? वो कह रहे हैं इस घर में. Thank you.
यहीं से आ रही है। बॉडी को इसी वक्त चलाना होगा। अब जाके केरोसिन लेके आई। जल्दी चलो। चलो। अंजना की लाश मिल गई, बस वो केरोसिन। ये आपके पास? ये मैं वो घर के अंदर गया तो वहां पर मुझे ओके। आत्मा से चला की कभी नहीं करते। Yeah!
नाम से पुकारू तुम्हें, ये संजना की लाश है ना? वो कबीर, मैं है संजना। झूठ! कितना झूठ बोलोगी? प्लीज अब तो सच बोलो। टेल मी द ट्रूथ। कबीर, टेल मी द ट्रूथ। टेल मी द ट्रूथ। नो, then I'll make sure that he only loves me. नहीं रह सकती थी, लेकिन अपनी बहन की जान ले सकती थी। नहीं,
हमारा रिश्ता, हमारी शादी सब झूठ था। नहीं, इतने साल मैं धोखे में था क्योंकि it was all a lie. No. Your whole existence is nothing but a lie. नहीं कभी। मुझे इतनी बड़ी गाली मत दो। आखिर उसमें और मुझमें फर्क ही क्या है? दोनों एक जैसी थी। Then why did you love me? क्योंकि सूरत एक हो जाने से सीरत एक नहीं हो जाती। दो अलग लोग हमेशा अलग ही रहते। कभी। और तुम्हें कहा था ना, कोई कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। कभी, कभी, वो पल, वो दिन, वो साल जो हम लोगों ने साथ में गुजारे, उसकी कोई अहमियत नहीं है। Every time you said you love me, उसकी कोई कीमत नहीं है। सही ना कभी? नहीं। कोई कीमत नहीं है उसकी। क्योंकि मैं हमेशा संजना से प्यार करता था। तुम्हारे साथ रहकर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं था और ये बात तुम जानती थी कि तुमने संजना की जगह ली थी, अपनी नहीं। ठीक है कबीर, तो मेरी जगह मुझे दे दो, बुला दो उसे, अपना लो मुझे, ये लॉकेट मुझे बना दो, जैसे संजना को बनाया था, बनाओ। अंजना, तो मुझे अंजना, दिल में जो जगह होती, वो सिर्फ किसी एक को दी जाती, उसे और कोई नहीं ले सकता, ना साथ जी के, प्लीज, ना साथ फेरे लेके, कभी, ना साथ रह के, तो जिसले रखो, क्योंकि ये, कभी, और मैं, हम किसी और की अमानत है, कभी, कभी, तुम जा नहीं सकते, नहीं जा सकते। I won't let you go. Say you love me. Say you love me, Kavi. Say you love me. संजना संजना, कभी नहीं जाना कि मैंने तुमसे कितना प्यार किया। अगर तुम मेरे नहीं हो तो आप किसी के नहीं रहोगे। किसी के नहीं रहोगे।